पीएम मोदी ने लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों को लेकर आज तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ महाबैठक की। इंडिया एनर्जी फोरम में दुनिया और भारत की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज को संबोधित किया। पीएम की तेल क्षेत्र के दिग्गजों के साथ ये तीसरी सालाना बैठक हुई है, जिसमें सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री खालिदे अल फल्ली और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा प्रमुख तेल कंपनियों के मुख्य कार्यधिकारी और विशेषज्ञ भी बैठक में शामिल हुए। आइए जानते हैं इस माह बैठक की बड़ी बातें। नंबर एक, डॉलर में नहीं रुपए में पेमेंट की पेशकश। पीएम ने पेट्रोलियम उत्पादक देशों से कच्चे तेल के आयात की भुगतान शर्तों की समीक्षा पर जोर दिया, ताकि आयातक देशों की स्थानीय मुद्रा को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात समेत दुनिया भर की तेल कंपनियों के साथ प्रमुखों के साथ बैठक में उनसे तेल की कीमत डॉलर की जगह रुपए में चुकाने की पेशकश की। नंबर दो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की चिंता। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों एवं विभिन्न वैश्विक मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट की वजह से रुपए लगातार टूट रहा है। सरकार के पास पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को थामने के कुछ खास विकल्प बचे नहीं हैं। एनडीए सरकार ने इसी महीने डीजल पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 2.5 रुपए की कटौती का ऐलान किया था। उसकी अपील पर बीजेपी शासित राज्यों ने भी 2.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास 10 दिनों में ही धूमिल हो गए और अब दोनों कटौतियों के बराबर दाम बढ़ चुके हैं। नंबर तीन, सहयोग को आगे आए तेल उत्पादक देश। पीएम ने बातचीत में भारत के लिहाज से कुछ खास नीतिगत मुद्दों की तरफ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के उपभोक्ता देशों को कच्चे तेल के उच्च दाम की वजह से कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने संसाधनों की गंभीर तंगी खड़ी हो रही है, तो ऐसे में देखना होगा पीएम मोदी की महाबैठक क्या रंग लाती है। क्या अब पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी आएगी, या लगातार ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छूते रहेंगे। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।